जौहटन थाना क्षेत्र में नाबालिग स्कूल छात्रा के साथ बेरहमी से मारपीट करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मारपीट करने वाले आरोपी युवक को 3 दिन बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि जौहटन थाना क्षेत्र के मते का ताला गांव निवासी 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला स्कूली छात्र रेत के टीले पर खेल रहा था। इस दौरान उसके पांव से मिट्टी उछलकर पास में ही खड़े एक युवक की आंख में गिर गई और उसके बाद गुस्सा युवक ने नाबालिग बच्चे को दौड़ा दौड़ा कर डंडे से बेरहमी से पिटाई कर गालियां दी, जिसका पास में खड़े लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। ये जो 3 रोज पहले मते का तला गांव उसमें जो हारून नाम का छोटा बच्चा था उसके साथ मारपीट के संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ था और काफी लोगों की मांग थी कि त्वरित कार्रवाई की जाए, पुलिस पूरे प्रयास कर रही थी उसी दिशा में। आज हमने जो कल्प्रिट है, जो आरोपी है जिसने मारपीट करी थी दोलाराम, उसको हमने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और उसी अनुरूप आगे अनुसंधान करके इसकी कार्रवाई की जाए। जो प्रारंभिक पूछताछ में उससे ये तथ्य सामने आया कि वो बच्चे खेल रहे थे और उनकी चप्पल से कुछ रेत उड़ के इसके मुंह पे या उसकी आंखों में गिर गई थी, उसी से ये व्यक्ति जो आक्रोशित हो गया था और आक्रोश में गुस्से में आकर उसने मारपीट कर दी थी, तो ये बात सामने आई है और कार्रवाई की जाएगी। और परिजनों की रिपोर्ट के बाद जौहटन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पिछले 3 दिनों से मारपीट करने वाले आरोपी युवक की तलाश कर रही थी। आज पुलिस ने आरोपी दौलाराम मेघवाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है।